फुटको वार्ड क्रमांक 69 MIG 2 क्षेत्र के रहवासी सीवरेज लाइन का दूषित पानी नवनिर्मित नाली में बहने और कई दिनों से सफाई नहीं होने से परेशान हैं। यहां पिछले लगभग एक साल पूर्व ही पानी निकासी के लिए नालियों का निर्माण किया गया था। सीवरेज का दूषित पानी नाली में जाम होने और उससे उठने वाले दुर्गंध से स्थानीय निवासियों में रोष व्याप्त है। ये बज बजाई नाली गंदगी बदबूदार पानी से शराब और ये नजारा पॉश कॉलोनी कहलाने वाले हुडको का है। जी हाँ, यहाँ ये कहना लाजमी होगा कि भिलाई नगर निगम का स्वास्थ्य विभाग हुडको क्षेत्र को पीलिया और डायरिया से संक्रमित करने की पूरी तैयारी कर चुका है। इतनी शिकायत के बावजूद भी स्वास्थ्य अधिकारी अपना दायित्व नहीं निभा रहे हैं। गौरतलब है कि वार्ड 69 MIG 2 में गंभीर सीवरेज की समस्या लोगों को परेशान कर रही है। वहीं गंदे सीवरेज के पानी से शराबबोर और कचरों से अटी नालियां लोगों की नींदें उड़ा रखी है। इन गंदे बदबूदार पानी जो कि जाम नालियों में लंबे समय से भरे हुए हैं, इनसे उठी दुर्गंध ने वार्ड वासियों का जीना मुहाल किया हुआ है। साथ ही वहीं मच्छर के कारण डेंगू मलेरिया का खतरा भी लोगों पर बढ़ गया है। जबकि बता दें कि इस समस्या को लेकर निगम की टीम ने क्षेत्र का निरीक्षण कुछ दिन पहले ही किया था, पर व्यवस्था को दुरुस्त करने के दावे करने के बावजूद भी ये दावे धरे के धरे रह गए हैं। वार्ड के लोगों ने अपनी पीड़ा जाहिर करते हुए जल्द व्यवस्था दुरुस्त करने की गुहार निगम प्रशासन से लगाई है। 4 महीने पहले यहाँ पर पार्षद को कंप्लेंट किया। पार्षद ने बोला कि ठीक है, यहाँ का जो सुपरवाइजर है, जो ट्रेन सुपरवाइजर जो है, उसको भी कंप्लेंट किया। उसने बोला कि ठीक है, देख रहा हूँ। फिर वो जोन आयुक्त में सीधा फ़ोन किया, कोई मैडम उषा समथिंग कुछ जो भी नाम है, वो आई, देखी, उसने क्लीन की। फिर उसके बाद फिर 2 महीने बाद फिर वही हाल, वही कंडीशन। अब तो ये हाल है कि इस तरफ की नाली से भी बहना चालू हो गया। बीमारी का खतरा तो बहुत ज़्यादा, डेंगू मलेरिया का बहुत ज़्यादा खतरा है। और रात को इतनी ठंडी होने के बावजूद भी पंखा चला के सो रहे हैं, मच्छर की वजह से, इतना मच्छर। और बदबू तो ऐसा है कि मतलब कोई गेस्ट आया तो बोले कहाँ से स्मेल आ रहा है, गाड़ी खड़ा करो तो स्मेल बाहर निकलने की वो नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर कोमल दास टंडन को भी 2-3 बार बताया, कई बार फ़ोन किया, बाद में मैडम को भी फ़ोन किया, जो ना एक मैडम को भी फ़ोन किया, तो बोली देख रही हैं। फिर बाद में और एक कोई HSO साहब कोई आया थे, बोले कि वो पूरा ड्रेनेज है, लाइन पेयजल सप्लाई उससे कनेक्टेड है, उससे अभी तो ये चालू नहीं हुआ, अगर जिस दिन चालू होगा तो वो तो ड्रेनेज का पानी आना संभव है। जी, ये बहुत बदबू आता है, बहुत ही गडर जैसा एकदम बदबू आता है, मच्छर बहुत परेशान करते हैं, है ना। और उसके कारण पूरा मतलब अभी तो डेंगू मलेरिया तो चल ही रहा है, पर बहुत ही ज़्यादा परेशानी, ये कम से कम 4 से 5 महीना हो गया है। बार बार उनसे शिकायत की, हाँ आएंगे करेंगे करके अभी तक तो कोई आया नहीं, किसी ने देखा नहीं, कुछ किया नहीं, इसलिए हम लोग ने भी पूरी नाली को ढक दिए है। मेरा है ये नाली बना कर कि जब क्या हेडेक बना दिया, मोस्ट हेडेक बना दिया ये नाली बना के मेरे को, बदबू। और आप अगर 1 मिनट मेरे घर में आओगे ना, देखोगे मच्छर रोज, मच्छर के लिए ये लगा के रखती हूँ, वो लगा के रखती हूँ, लेकिन क्या होगा, मच्छर कहेगा, आप आके 1 मिनट देखो प्लीज, मच्छर देखते जाओ। कब से ऐसे हालत हो गया, महीना भर हो गया, महीने का ऊपर हो गया, 1.5-2 महीना हो गया। सफाई हम तो चाहते हैं सफाई हो, प्लस इसमें ढक्कन लगा देना। बहुत पूरे मच्छर, पूरे रात भर पूरे मच्छर घूमते रहते हैं और पूरे बदबू आती रहती है और बहुत बुरे हाल है। 1 साल हो गए नाली बन के, जब से नाली बना तब से ये ऐसी माना भरा भरा रहता है, पूरा सीवेज का पानी जो है वो पूरा नाली में भरा रहता है और पूरा माना जो गंदगी है और स्मेल है और ना रह सकते हैं, ना क्या बोलते हैं, मच्छर से परेशान है। मैंने कई बार कंप्लेन कर चुके हैं लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं होती, साल भर हो गया। जब से पार्षद को बताया तो पार्षद तो यहाँ मिलता ही नहीं, कौन पार्षद नहीं है उनको, तो एक शेड्यूल कास्ट रखा है, डोंट माइंड यू, हाँ रखा है, लेकिन उसका अभी तक एक ही दिन आया था, जो दिन वोट लेने का है उस दिन आया था, काकी माँ मैं ये कर दूँगी, मैं वो कर दूँगी, उसका बाद से गायब। पार्षद का मुंह अभी तक देखे नहीं हम लोग। इस मामले में पूर्व नेता प्रतिपक्ष व नगरी निकाय प्रकोष्ठ के सह संयोजक संजय दानी ने निगम प्रशासन की कार्यप्रणाली व क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों की कार्यप्रणालियों पर सवालिया निशान लगाया। देखिए साईं जी, जब से यहाँ का एक पार्षद बना है कांग्रेस का, ना उसको इस क्षेत्र के विकास से मतलब है, ना यहाँ की समस्याओं से उसको कोई लेना देना नहीं है।
ये हमारे वार्ड क्रमांक 69 का एक दुर्भाग्य है कि कांग्रेस पार्टी से एक ऐसा पार्षद जो निष्क्रिय पार्षद है उसको कोई मतलब नहीं है। और ये जो समस्या जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो पूरी चीज यहाँ की जनता त्रस्त है, लगभग एक साल से सारी समस्या का त्रस्त है लोग। ये मेरे ख्याल से 6 या 7 महीने पहले इसका कुछ एक प्रस्ताव बना था, जो वो अग्रवाल प्रोविजंस के वहाँ से सीधा पूरे नई नाली का निर्माण हुआ, कलवर का निर्माण हुआ, उसके बाद भी जो सीवरेज की जो समस्या है, सीवरेज की जो मूल जड़ जिसको सीवरेज समस्या का उनको समाधान करना था, उस समस्या का उन्होंने कोई समाधान नहीं किया। और सीवरेज के माध्यम से 14वें वित्त आयोग में 52 लाख रुपया हुड़को में सीवरेज संधारण के लिए आया गया था। अब मेरा सीधा आरोप है ये, चाहे यहाँ के महापौर जी हों, चाहे आयुक्त हों, चाहे यहाँ के विधायक जी हों, उस 52 लाख की राशि को इन्होंने कहीं ना कहीं उसका दुरुपयोग किया है और कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव विधानसभा चुनाव में उसका उपयोग कर लिया है। और जनता यहाँ की त्रस्त है और हमारे बाकी जनप्रतिनिधि मस्त हैं अपने, इनको कोई मतलब नहीं है। जो यहाँ पे आप देखिए जिस प्रकार का जो माहौल आपके सामने है, निश्चित रूप से यहाँ पीलिया और डायरिया होना निश्चित होगा। और ये जो पॉश इलाका है हुड़को, जिसको पॉश इलाका कहा जाता है, जो टाउनशिप का एरिया है, आज इसकी जो स्थिति आप देख रहे हैं आपके सामने, इतनी बद से बदतर है कि इससे अच्छी स्थिति जो झुग्गी झोपड़ी जो टाउनशिप के उस एरिया है उस वहाँ पे भी कम से कम सीवरेज के लोग इस प्रकार की स्थिति नहीं होगी। मैं नगर निगम आयुक्त को पूरा इसके संज्ञान में लाया हूँ, आज उनको सारा उनका वीडियो बना के उनको भेजा हूँ, स्वास्थ्य अधिकारी जी को भेजा हूँ, यहाँ के जो अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी जी को भेजा हूँ, और ये जो जोन कमिश्नर हैं पूजा पिल्ले, उसको भी मैंने भेजा है। अभी 4 दिन पहले हमने इसी बात को लेकर मैंने एक तमाशा किया था वहाँ पे, बहुत सारी बातें उनको अवगत कराया, पूरा नगर निगम का अमला आया। यहाँ इन लोग क्या करते हैं शाहीन जी, ये सिर्फ धूप मतलब टाइम ड्रीम ले आएंगे और सक्शन यूनिट को बुला लेंगे, लीपा पोती करते हैं। सक्शन यूनिट जो होती है यहाँ के जो जितना पानी है उसको शक करके खींच लेगी और चले जाएगी। इन यहाँ के आम नागरिकों को बेचारों को उसी से अनभिज्ञ हैं, उनको कुछ नहीं मालूम, वो इनोसेंट है। मगर इसका जो मूल समस्या, जो मूल जड़ है कि सीवरेज में जो पाइपलाइन बिछाई गई थी उस मूल समस्या में जो प्रस्ताव बना के उसको समस्या को दूर करना चाहिए, उससे किसी को कोई मतलब नहीं। हाँ, वो तो अभी जो इन्होंने प्रस्ताव जो बनाया था ना, वो लगभग वही प्रस्ताव मेरे ख्याल से 4-5 लाख का जो प्रस्ताव बना होगा, मगर वो क्यों बनाया गया ये भी मेरे को, उस बहाने इन्होंने कई लोगों ने अपनी कलवड़ बना ली, ये दो कलवड़ बने जरूर बन गए, मगर जो सीवरेज की समस्या वो जो कि तो है आपके सामने है, आपके समक्ष है, कब तक जनता इसको बर्दाश्त करेगी? आप खुद यहाँ खड़ी हैं, आपके पास स्मेल आ रही है, बदबू आ रही है, और पूरा नगर निगम का अमला, मैं तो बोलता हूँ चाहे महापौर जी है उनको संज्ञान में लेना चाहिए, यहाँ के आयुक्त को संज्ञान में लेना चाहिए, और यहाँ विधायक जी कहाँ हैं? इतना बड़ा समस्या है लोगों को, जब लोगों को क्या ये किसी घटना दुर्घटना को आमंत्रण दे रहे हैं या ये उस चीज़ का इंतजार करें जब घटना कोई घट जाएगी तब हम यहाँ पे आएंगे? संधारण के लिए आई थी, उस राशि का क्या हुआ ये बताएं। निगम महापौर नीरज पाल ने भी मामले की गंभीरता को देखते हुए जल्द से जल्द व्यवस्था में सुधार किए जाने की बात कही है। देखिए जहाँ तक पानी मिक्स होने की बात है, वहाँ पे हुड़को में जो वार्ड 69 की आप बात कर रहे हैं माई जी की, वहाँ पे लगभग 40-45 साल पहले पाइपलाइन और सीवरेज लाइन उस समय जब साड़ा हुड़को का निर्माण हो रहा था तब उस समय वो दोनों बिछाई गई थी। उसमें जो सीवरेज की लाइन है उसमें क्योंकि उसका आउटलेट जो है वो जाम हो गया है और जब तक वो क्लियर नहीं होगा 3-4 दिन से लगातार हम लोग उसका प्रयास कर रहे हैं और हम 2-4 दिन के अंदर उसको लाइन को चेंज भी कर देंगे, समस्या का समाधान भी हो जाएगा। लेकिन ये हुड़को का कुछ एरिया, लगभग एरिया हम लोगों ने पिछले 7-8-10 सालों में, क्योंकि उसके पहले ना तो वहाँ BSP काम कर रही थी ना ही निगम से काम हो रहा था, पिछले 7-8 सालों में हुड़को में काफ़ी विकास के काम हुए हैं और लगातार हम लोग प्रयासरत हैं। कुछ एरिया बचा है जहाँ में ये एरिया भी जिसमें आता है और इसका भी हम लोग आने वाले हफ्ते में इसका भी समाधान कर देंगे। वो जो सीवरेज की लाइन है उसको हम लोग चेंज कर रहे हैं, अभी उसमें कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस हैं क्योंकि वो उसका आउटलेट प्रॉपर सिस्टम से डिस्पोज नहीं हो रहा, तो आने वाले समय में हम लोग उसको भी कर लेंगे। बोलने के लिए हम लोग बहुत सारी बात करते हैं लेकिन अभी वहाँ ऐसी कोई स्थिति, हाँ ठीक है परेशानी तो है और उसी के समाधान के लिए हम लोग पिछले 3-4 दिन से लगातार प्रयास रहते हैं। बीच में 26 जनवरी और इसकी वजह से कुछ जो हमारे यहाँ निगम में ठेकेदार काम करते हैं वो भी उपलब्ध नहीं थे, अभी उसको आज हम लोगों ने सुबह भी निगम के अधिकारी गए हुए थे और आने वाले 3-4 दिनों में समस्या का समाधान भी कर लिया जाएगा।
लगातार इन अवस्थाओं का दंश झेल रहे वार्ड के लोगों ने निगम प्रशासन से मांग की है व नाराजगी भी जताई है। देखना होगा बेहद लापरवाह बना निगम प्रशासन मामले की गंभीरता को देखते हुए किस प्रकार अपना दायित्व निभाता है या फिर ये दावे खोखले ही साबित हो जाएं। एसीएन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट।